प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदी के बाद अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद गणित का आपका रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रुक जाना नहीं परीक्षा 2022-23 कक्षा 10वीं विषय गणित का जो पेपर आपका होने वाला है 29 तारीख को, उसके लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितने भी हमारे रुक जाना नहीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, आप लोगों को मैं हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, आईटी, ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों को जो भी वीडियो चाहिए, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी हमारे रुक जाना नहीं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जो हर बार रुक जाना नहीं 2 पॉइंट, ये 0 हमारी चल रही है, और जो हमारी 1 पॉइंट चल रही थी रुक जाना नहीं फर्स्ट वाला, उसमें जो विद्यार्थी फेल हो गए थे और वापस उन्होंने फॉर्म भरा है, तो अब इस बार आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, घंटी के बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जब भी आएगी आप तक पहुंच जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। पूरा सॉल्यूशन आपको 1 से लेकर 23 तक मैथ्स के पेपर का मिलने वाला है, रुक जाना नहीं, जो दिसंबर में आपका पेपर होगा 29 तारीख को। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पूरा आंसर के साथ आपको देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर किसी पूर्णांक m के लिए विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन आपको दिख रहा है 2m+3 और 2m+1 और 2m और 2m+5, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2m+1। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और गारंटी के साथ वादा है दोस्तों, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करेंगे यदि वीडियो को लास्ट तक आप देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, तो अल्फा और बीटा का जो मान हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा c/a। अगला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 संगत है, तब रेखाएं, तो आपकी जो रेखाएं उस समय होगी दोस्तों वो होगी प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। कौन सी रेखाएं बनेंगी दोस्तों? प्रतिच्छेदी अथवा समपाती। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस PDF को पाना चाहते हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा और आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 में सर्वांतर है, तो इसमें जो अंतर है आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 डिफरेंस आ रहा है, कितने का? 3 का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में किस भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका अगला है, जिसमें क्या बताया गया है, 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है उस समकोण त्रिभुज किस भुजा का वर्ग, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का सूत्र क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कर्ण का सूत्र। जैसे कि भुजा का सूत्र रहता है उसी प्रकार कर्ण का भी होता है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स अक्ष से बिंदु पी
2-3 की दूरी है, तो इसकी जो दूरी होगी वो होगी 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अब देखने वाले हैं हम रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में हम देखने वाले हैं संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। HCF कहलाता है। गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। जो दोस्त लाइव हमारे जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जवाब भी देते रहें सभी क्वेश्चनों के, कि कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चर का वह मान जिसको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं शून्यक। गलती तो करना ही नहीं है किसी भी प्रकार की, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जा रहा है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये वीडियो आपको ज़रूर सफलता की ओर लेकर जाएगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विव्यक्तिकर है। तो इसका जो विव्यक्तिकर होता है मित्रों, वो होगा आपका करेक्ट आंसर शून्य हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक समांतर श्रेणी में d = -4n = 7 तथा tn = 4 हो तब अल्फा का मान 28 होगा। कितना होगा विद्यार्थियों? 28, ठीक है, 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। देखिए, वेट करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा जो आना है पेपर इस प्रकार से बनना है जिस प्रकार से अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु x1, y1 की मूल बिंदु से दूरी है, तो इसके जो दूरी के अंडर रूट x1² + y1² और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक सही जोड़ी बनाइए, थर्ड वाला क्वेश्चन रहेगा, जोड़ी मिलाना है। देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा, तो इसको आप किससे मिलाएंगे? किसको मिलाएंगे आप? कोस थीटा। और कोट 90° - थीटा, तो इसको आप किससे मिलाएंगे दोस्तों? टेन थीटा से। और कोसेक थीटा कोस 90° - साइन थीटा - साइन 90° - थीटा, तो इसको आप किससे मिलाएंगे? जीरो से। इसका मान कितना होगा दोस्तों? ये मान दे रखा है, जैसे कि 1 + cot² θ का मान देखेंगे तो कितना होगा? cosec² θ, ये इसका मान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं, और हमारा पांचवा है, पांचवे को आप इससे मिला दीजिएगा, और यहाँ पर नंबर डल रहा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th वाला भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? एक शब्द में उत्तर देख रहे हैं अब हम, 1 होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। वे समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो? वो क्या कहलाता है? असंगत। द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर। गोले के आयतन का सूत्र तो क्या होगा? 4/3 πr³। और 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो इनका समांतर माध्य जो होगा वो होगा 4। आगे भी अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो शून्य होगी, सभी स्टूडेंट्स इसको जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। सत्यफत्य देखेंगे, तो यहाँ सत्यफत्य में बिल्कुल आपके निशान लगे हुए हैं, पहला सत्य है, दूसरा भी सत्य, ये असत्य, ये असत्य, ये आपका सत्य, और जो बीच में आपका बच रहा है ये भी आपका सत्य है, ठीक है, पहला और दूसरा आपका सत्य, बाकी सब असत्य हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा इनको पढ़ लीजिएगा। अब जिसके बाद में ये आपका रहा पूरा पेपर 6 से लेकर 23 तक,
ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपका गुड नेम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।